वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज हम जा रहे हैं एक जगह है मंडी में, मसेरन नाम की गांव मेरे गांव के पास ही है। तो वहां पे क्या हुआ था कि जब बरसात हुई थी पिछली बार, तो वहां पे क्लाउड बस्ट हुआ था। तो आज मैं आपको वहां की कुछ तस्वीरें दिखाने वाला हूं, कुछ वीडियोज़ दिखाने वाला हूं कि किस तरह की तबाही वहां पे हुई थी। तो अभी मैं अपने गाँव में ही हूँ। तो अभी हम रुके थे पानी भरने के लिए यहाँ से, और सामने आप देख सकते हैं नज़ारा, एक छोटी सी नदी भी है और सामने लोग ऊपर काम कर रहे हैं। देखो बाकी मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अगर आप लोग कभी मंडी आते हैं या अगर आप लोग मंडी में रहते हैं, तो आप इस तरफ थोड़ा ऑफ रोडिंग का एक्सपीरियंस लेने आ सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छा ट्रैक है ये। इसके अलावा हम कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं अभी वहाँ पे जहाँ पे क्लाउड बस्ट हुआ था, और आप देखेंगे कि वहाँ पे बहुत ही बुरे तरीके से तबाही हुई है और बहुत बड़े बड़े पत्थर वहाँ पे जो है पहाड़ से आए थे नीचे। बाकी वहाँ के जो लोग हैं वो ये भी बोलते हैं कि जब क्लाउड बस्ट हुआ था तो कुछ पत्थर ज़मीन के नीचे से भी निकले थे। तो अभी एक छोटी सी रिवर आती है बीच में, तो अभी रिवर क्रॉसिंग कर रहे हैं अपनी गाड़ी में, देखते हैं कब पार कर रहे हैं। इतनी बड़ी रिवर नहीं थी तो ईजिली क्रॉस कर लिया, कोई डिफिकल्टी नहीं है। अगर आप लोग भी इस तरफ आना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको लोकेशन शेयर कर दूंगा। वैसे मंडी से ज़्यादा दूर नहीं है, अराउंड 10 से 12 किलोमीटर दूर होगा। इजीली आप आधे घंटे में पहुंच सकते हो यहाँ पे। तो हम मेन रोड पे आ चुके हैं, यहाँ से बस अराउंड हार्डली 2 मिनट्स लगेंगे हमें और वहाँ पे लोकेशन पे हम पहुँच जाएंगे। तो ये जो मसेरना का इलाका है, इसके आसपास 3 जगह क्लाउड बस्ट हुए थे। बाकी के जो 2 थे वो उन पे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो गाइस अब हम पहुँच गए हैं उस लोकेशन पे जहाँ पे क्लाउड बस्ट हुआ था। ये जो आप सामने जगह देख रहे हैं जहाँ पे ये टेम्पू सा खड़ा है राणा जी, तो यहाँ पे 2 मंजिला घर हुआ करता था। तो जब क्लाउड बस्ट हुआ तो वो एग्जैक्टली यहाँ से थोड़े से ऊपर को इस पहाड़ी से आया जहाँ पे आपको पत्थर दिख रहे हैं। तो ये पत्थर इनका साइज़ लगभग जितना एक कमरा होता है, उतने कमरे के जितना साइज़ था। तो लोग तोड़ रहे हैं जैसे आप देख रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पूरी तबाही हुई थी यहाँ पे। और ये जो घर था इसका नामो निशान नहीं रहा था, मतलब कोई बोल नहीं सकता यहाँ पे कि यहाँ पे घर था। ये बिल्कुल प्लेन हो चुका था, जैसे अभी आपको दिख रहा है वैसा ही था उस टाइम भी। बस ये था कि पत्थर वगैरह ज़्यादा थे उस टाइम आसपास। और यहाँ पे उस घर पे जब क्लाउड बस्ट हुआ था तो 2 लोग भी उनकी डेथ हो गई थी। तो एक वहाँ पे उनके नानी जी थे और एक उनकी लड़की थी, तो उनकी डेथ हो गई थी और वो सोए सोए उनका पता नहीं चला, ना उनकी डेड बॉडीज़ मिली। तो बहुत ही डरावना नज़ारा था यहाँ पे। यहाँ पे जैसे सड़क देख रहे हैं आप, तो सड़क के किनारे गाड़ियाँ भी खड़ी थी, ओमनी थी। एक उसका तो बिल्कुल कुछ रहा ही नहीं था, मतलब कोई बोल ही नहीं सकता कि वो ओमनी थी। तो वहाँ पे 2-3 गाड़ियाँ थी, वो तीनों की तीनों गायब हो गई थी। और लोगों का सामान यहाँ से लगभग 1-1 किलोमीटर दूर जाके मिला था। तो मैं आपको थोड़े नज़दीक जाके दिखाऊँगा कितने बड़े ये पत्थर हैं और कहाँ से ये आए हैं। तो चलिए चलते हैं ज़रा गाड़ी लगा के आगे की तरफ। यह वो एग्जैक्ट लोकेशन जहाँ पे क्लाउड बस्ट हुआ था। तो अभी आप जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक नदी की तरह आपको लग रहा है कि यहाँ पे कोई नदी होगी, बट यहाँ पे कोई भी नदी नहीं थी। ये जो सारा नुकसान हुआ है, जो भी ये दिख रहा है आपको, ये सिर्फ क्लाउड बस्ट की वजह से। तो आप इसको देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा क्वान्टिटी में यहाँ पर पानी आया होगा उस क्लाउड बस्ट की वजह से। इतना ऊपर जाना पॉसिबल नहीं है, नहीं तो मैं आपको ऊपर जा कर दिखाता कि कितनी हाइट से ये पानी आया था। तो गाइस अभी मैं आपको थोड़े दूर से दिखाऊंगा कि ये कितने ऊपर से स्लाइड आया है, मतलब कितने ऊपर से क्लाउड बस्ट हुआ था, वहाँ से थोड़ा आपको ज़्यादा आइडिया होगा। तो जैसे अभी आपने देखा होगा कि ये जो पत्थर थे, लगभग जितने हमारे घरों में कमरों का साइज़ होता है, 15-15 फीट के, इतनी हाइट के पत्थर थे। तो गाइस ये है वो जगह जो जहाँ पर अभी हम गए थे। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये इतनी बड़ी पहाड़ी है, तो ऊपर से देखो वहाँ से आपका क्लाउड बस्ट हुआ था और वहाँ से लेके यहाँ नीचे तक देखो, यहाँ नीचे तक पूरे एक जो है स्लाइड आ गया था। तो उस स्लाइड में बहुत सारे पत्थर थे, बहुत सारी मिट्टी थी। तो उस वजह से क्या हुआ कि लोगों के
खेत तो खराब हुए हुए, साथ में लोगों के घर भी बह गए थे। तो बहुत ही तबाही वाला नज़ारा था यहाँ पे जो भी था ये। अब तो फिर भी इतना पता नहीं चल रहा है क्योंकि लोगों ने पत्थर तोड़ दिए हैं, बट पहले बहुत ही ज़्यादा खराब भयंकर नज़ारा था यहाँ पे। गाइस अभी के ब्लॉग में इतना ही, तो इसके बाद अब हम जा रहे हैं साईं देव के मंदिर जो कि मेरे गांव के पास ही है। तो वहाँ पे वहाँ की जो वीडियो है मैं आपको नेक्स्ट वाले पार्ट में दिखाऊंगा। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।